हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ज्योमेट्री डिफेंस एकेडमी। तो जवाहर नवोदय विद्यालय ने, जो जब नवोदय विद्यालय समिति है, उसने एडमिशन फॉर्मेट जारी किया है। एडमिशन फॉर्मेट के क्या मायने हैं, क्या होता है एडमिशन फॉर्मेट, तो ये भाई इसको बहुत ध्यान से आपको भरना है, क्योंकि जिन बच्चों का अभी रिजल्ट आया है जवाहर नवोदय विद्यालय में, जिन बच्चों का सिलेक्शन हो गया, अब अगली प्रोसेस क्या होगी, वो सारी प्रोसेस होगी इस एडमिशन फॉर्मेट के द्वारा। मैं इस एडमिशन फॉर्मेट को आपको दिखाऊंगा, इसको कैसे भरना है वो भी बताऊंगा, और इसमें क्या सावधानी बरतनी है, कटिंग वगैरह नहीं करनी है, क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स हैं, वो सारी चीज़ें बताऊंगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन पर क्लिक कर लो। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ, देखो आपकी मंजिल क्या है, मंजिल है आपको जवाहर नवोदय विद्यालय सैनिक स्कूल मिलिट्री स्कूल में जाना, और हम इसमें क्या है, हम इसमें मार्गदर्शक की भूमिका में हैं। हमारा काम है आपको रास्ता दिखाना सही मंजिल तक जाने का। क्लियर, पहुंच आप भी जाएंगे, लेकिन अगर रास्ता गलत पकड़ लिया तो फिर वहाँ पे नहीं पहुंचेंगे, कहीं और ही पहुंच जाएंगे, फिर आपका एडमिशन कैंसिल हो जाएगा, तो कोई फ़ायदा नहीं होगा। ठीक है, तो ये हमारा मुख्य काम है। चलिए मैं आपको लेके चलता हूँ, जो इन्होंने फॉर्मेट दिया है वो जरूरी है, फॉर्मेट पर चलते हैं। देखिए, ये इन्होंने एक फॉर्मेट दिया है, ये वाला, ये रहा फॉर्मेट। ठीक है, नवोदय विद्यालय समिति नोटिस प्रोविजनल सेलेक्ट लिस्ट क्लास सिक्स, वो आ गई लिस्ट, सबने देख ली, सब बच्चे खुश हैं, खुशी मन रही है, घर में मिठाइयां बट रही है। आखिरकार द टी सी फ्रॉम द पेरेंट्स स्कूल आफ्टर द वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट। एक तो ये बात आपको ध्यान रखनी है भाई, टी सी पहले मत लेना स्कूल से, पहले डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा लो। जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पूरा हो जाए, क्योंकि यहां देखो लिखा है, तो तब ही आपको टी सी जमा करनी है। ऐसा नहीं है टी सी पहले जमा करनी है, कोई पर बहुत सारे पेरेंट्स क्या करते हैं, टी सी आपसे, टी सी वहां से ले लेते हैं, और फिर फायदा उसका कुछ नहीं रहता। ठीक है, क्योंकि डॉक्यूमेंटेशन में भी एक प्रोसेस है, पता चला वहां से कुछ दिक्कत हो गई। पेरेंट्स आर एडवाइज नॉट टू टेक द टी सी फ्रॉम द प्रीवियस स्कूल अंटिल द एडमिशन इज कन्फर्म्ड बाय द जीएनवी। जब तक जेएनवी में एडमिशन कन्फर्म नहीं हो जाता है, तब तक आपको वहां से टी सी नहीं लेनी है। सो कोई आवश्यकता नहीं है टीसी की। तो फिर कैसे होगा, तो प्रोसेस होगी, ये पूरा प्रोसेस है। देखो क्या क्या है, यहां पे आ जाओ। टू बी फिल्ड बाय द पेरेंट गार्जियन ऑफ द कैंडिडेट विद द हेल्प ऑफ हेडमास्टर हेडमिस्ट्रेस ऑफ द स्कूल फ्रॉम वेयर द कैंडिडेट पास। तो आपको गार्जियन जो पेरेंट्स है वो इसको भरेंगे, किसकी हेल्प से, जो हेडमास्टर है, जो प्रिंसिपल है, जो भी सरकारी प्राइमरी स्कूल है, जिस भी स्कूल से आपने पांचवी कक्षा पढ़ी है, तीसरी चौथी, वहां से भरा जाएगा। अब क्या है, पहले तो फोटो लग जाएगा, फोटो लगने के बाद नेम ऑफ द कैंडिडेट, आधार नंबर, ठीक है, आधार नंबर, सेक्स रेशो, आप मेल है फीमेल है क्या है, कैटेगरी में आपको भरना है जनरल ओबीसी एससी एसटी, कास्ट, डेट ऑफ बर्थ, मंथ ईयर, ये आपको फिल करना है। ठीक, डेट ऑफ बर्थ इन वर्ड्स आपको भरना है, फादर्स नेम, मदर्स नेम, नेम ऑफ द गार्जियन, ये सारी चीज भरेंगे आप। अब आता है ये वाला, स्कूल फ्रॉम वेयर द कैंडिडेट पास, तीसरी चौथी और पांचवी क्लास बच्चे ने कहां से पास करी है, क्या है, मंथ ऑफ ज्वाइनिंग, मंथ ऑफ ईयर पासिंग, कक्षा तीन, कक्षा चार और कक्षा पांच, नेम ऑफ द स्कूल, इज इट अ रिकॉग्नाइज स्कूल, अगर वो रिकॉग्नाइज स्कूल है, ऑब्वियस ही बात है स्कूल रिकॉग्नाइज ही होगा, ऐसे कैसे नहीं, तो ठीक है, नेम ऑफ द विलेज और टाउन जहां पे स्कूल लोकेटेड है, नेम ऑफ द ब्लॉक, नेम ऑफ द डिस्ट्रिक्ट, लोकेशन ऑफ द स्कूल, इंडिकेट रूरल और अर्बन, कि वो ग्रामीण क्षेत्र का स्कूल है या वो शहरी क्षेत्र में आता है वो स्कूल, ठीक है, ये आपको भरना है। अब ये कुछ सर्टिफिकेट है, अंडरटेकिंग है, पेरेंट गार्जियन ऑफ द कैंडिडेट कंसर्न्ड इन्फॉर्म दैट कि मैंने अपनी सारी सर्टिफिकेट सही दिए हैं, इसमें मैंने कोई वो नहीं किया, गलत इन्फॉर्मेशन नहीं दिया, वो अंडरटेकिंग होगा, और स्कूल की सील लगेगी। नोट फॉर द हेड ऑफ द स्कूल, फॉलोइंग सर्टिफिकेट इज रिक्वायर्ड टू बी इश्यूड इन रेस्पेक्ट ऑफ कैंडिडेट सेलेक्टेड फॉर एडमिशन, ठीक है, यहाँ से आएगा, सर्टिफिकेट ऑफ द हेड ऑफ स्कूल मार के देंगे, वहाँ पे स्टैंप वगैरह लगाएंगे अपनी, अंडरटेकिंग बाय द पेरेंट्स गार्जियन, ये एक अंडरटेकिंग आप लेंगे, इस पर आप सिग्नेचर कर देंगे, इस पर कुछ नहीं, बस पेरेंट के साइन होना है, एक परफॉर्मर निकाल के इसका प्रिंट आउट निकाल के वहाँ पे अपना साइन कर दीजिए, अंडरटेकिंग दे देना, एड्रेस भरना है पूरा, जो भी आपका एड्रेस है, अंडरटेकिंग एक और है ये सिग्नेचर, नोट दिस इज नॉट एप्लीकेबल टू एस सी एस टी दिव्यांग, ठीक है, उनके लिए नहीं, गर्ल्स के लिए नहीं, अंडरटेकिंग फॉर माइग्रेशन, जवाहर नवोदय विद्यालय में बच्चे नाइन्थ क्लास में माइग्रेशन पे जाते हैं, एक राज्य से दूसरे राज्य के उसमें जाते हैं जवाहर नवोदय विद्यालय में, ठीक है, तो उस माइग्रेशन के लिए फॉर्म भरवाया जाएगा कि आपके बच्चे को अगर हम भेजेंगे तो आपको कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए, ये वाला माइग्रेशन फॉर्म हो गया, अंडरटेकिंग हो गई।
फिर इसके बाद में आपका ये वाला मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट जवाहर नवोदय में लिखिए पूरा। ये डिस्ट्रिक्ट ये किससे बनेगा, सीएमओ से बनवा लो इसको, ठीक है, सीएमओ के पास से बन जाएगा ये मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट पूरा, हाइट वेस्ट चेस्ट ये सब कुछ इसमें लिखा हुआ है, ये भरवा लेना, बन गया, ठीक। तो भाई ये पूरा आपका, अगर मैं कहूँ ये पूरा आपका बन गया, ठीक है। ये अब आगे क्या है, मेडिकल एंटीसीडेंट ये है, कोई है तो नहीं इस तरह की कोई सीरियस बीमारी तो नहीं जो भी है, और आपका डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट जो बनता है आपका चीफ मेडिकल ऑफिसर सीएमओ के पास से ही बनता है, डिसेबिलिटी से डिस्ट्रिक्ट लेवल से ही। कैटेगरी कम्युनिटी सर्टिफिकेट बनेगा, और डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट आपका बनेगा, और रूरल एरिया सर्टिफिकेट आप ग्रामीण में हैं डोमिसाइल जिसको बोलते हैं, रेजिडेंस सर्टिफिकेट डोमिसाइल आ जाएगा यहाँ पे, पेरेंट्स का भी चलेगा इसमें, और ये आपका सर्टिफिकेट ये हो गया। और इसके अलावा में अदर ओबीसी सर्टिफिकेट, भाई भारत सरकार का होता ओबीसी सर्टिफिकेट वो जो बच्चा, ठीक। तो ये पूरे डॉक्यूमेंटेशन है जवाहर नवोदय विद्यालय का पूरा, ये आपको तैयार करवा लेना है। और टीसी मैं बता रहा हूँ दोबारा पहले नहीं ले रही है, पहले जाके इसको दिखाओ, दिखाने के बाद वो आपका एडमिशन ओके कर देंगे, फिर आपको बता देंगे कब बच्चे को आना है एडमिशन के लिए, वहाँ से वो बता देंगे कि आप इतनी तारीख को उसकी टीसी जमा कर देना, वो प्रोसेस हो जाएगी, तो तब जाके उसका एडमिशन होगा। पता चला आपने टीसी पहले ले ली और फिर बाद में रह गए आप कन्फ्यूजन में, क्लियर, कन्फ्यूजन में। दूसरा मैं बता दूं अभी की, अगर एक बात ध्यान रखना भाई, अभी फॉर्म निकले हुए हैं और उसमें जवाहर नवोदय विद्यालय फॉर्म नहीं, जिन बच्चों की डेट ऑफ बर्थ मैं लिख रहा हूं यहां पे 1 मई कर दो इसको, 1 मई है, ठीक है, 1 मई 2012 से लेके 31 मई 2014 ये डेट ऑफ बर्थ है, वो जवाहर नवोदय विद्यालय में फॉर्म भर सकते हैं, बस आते उन्होंने पहले फॉर्म ना भरा हो, ठीक है, पता चला पहली साल फॉर्म भरकर रिजेक्ट हो जाएगा, ये भर सकते हैं। आप हमसे हॉस्टल के थ्रू कोचिंग ले सकते हैं, आप हमसे ऑनलाइन कोचिंग ले सकते हैं, दोनों तरीके से हम लोग तैयारी करवाते हैं। वो कैसे ले सकते हैं आप, उसको भी मैं आपको बता देता हूँ कैसे आपको लेना है ये सारी चीज़ें। ये हमारा जो बच्चे, जिन बच्चों का जवाहर नवोदय विद्यालय का सिलेक्शन नहीं हुआ, तो हमारे इस प्रतिज्ञा बैच को वो ज्वाइन कर सकते हैं, ऑनलाइन बैच है, घर से ही तैयारी हो जाए, आपके पास एक मोबाइल होना चाहिए, लैपटॉप होना चाहिए, इस बैच में जुड़ सकते हैं आप। और इसके लिए, और इसके लिए दूसरा हमारा क्या है, प्रहार बैच है, ये आरआईएमसी के लिए है, इनके लिए आपकी डेट ऑफ बर्थ ये होनी चाहिए जो मैं अभी आपको दिखा रहा हूँ। देखो ये है, देखो 1 अप्रैल 2012 से लेके 31 मार्च 2014 आपका 2014 जिनकी डेट ऑफ बर्थ है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ जिनकी डेट ऑफ बर्थ 31 मार्च 2014, ठीक, 31 मार्च 2014। और जवाहर नवोदय विद्यालय में थोड़ी अलग हो जाएगी, वहाँ पे 1 मई से लेके 31 मई 2014 है, तो वो आरएमएस सैनिक स्कूल, यूपी सैनिक स्कूल, इनका पेपर दे सकते हैं ऑनलाइन। अगर आपको तैयारी करनी है ये नंबर डायल करेंगे, और हॉस्टल के थ्रू तैयारी करनी है ये वाला नंबर डायल करेंगे, दो नंबर है, आप प्रॉपर इन्फॉर्मेशन, हमारे एजुकेशन काउंसलर आपको प्रॉपर इन्फॉर्मेशन देंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन पर क्लिक कर लो, क्योंकि यहाँ से आपको आपकी सारी जो इन्फॉर्मेशन है आपके एंट्रेंस के लिए वो मिलती रहती है। थैंक यू स्टूडेंट्स।